विश्वेंद्र सिंह जी, सुभाष गर्ग जी, भजन लाल जाटव जी, जहीदा खान जी, शेर सिंह सुपा जी, हमारे कैंडिडेट अभिजीत सिंह, अभिजीत कुमार जाटव जी, स्टेज पे हमारे सब सीनियर नेता, पार्टी के कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। और आज गहलोत जी की का जन्मदिन है, तो आपको भी मुबारक। पांच साल से दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पांच साल से वो राज कर रहे हैं। पिछले चुनाव में हर भाषण में वो रोजगार की बात करते थे, किसानों की बात करते थे, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालने की बात करते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते थे। इस चुनाव में आप उनका कोई भी भाषण सुनो, ना वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ना वो किसानों की बात करते हैं, ना युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, कह ही नहीं सकते। कहा था 15 लाख रुपए डालूंगा, पूरे देश को मालूम है 15 लाख छोड़ो, नरेंद्र मोदी ने 5 रुपए नहीं डाले बैंक अकाउंट में। मतलब सोचते हैं कि हिंदुस्तान की जनता को कोई समझ ही नहीं है। हर भाषण में पहले कहा था 15 लाख दूंगा, 5 रुपए नहीं दिए, और मतलब बेवकूफ बनाने के लिए हर भाषण में उसके बाद कहा हां बैंक अकाउंट खोल रहा हूं, पैसा आएगा। 5 साल हो गए, पैसा नहीं आया। सोच, जनता समझती नहीं। 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस के इकोनॉमिस्ट को बुलाया, कमरे में बैठाया, उनसे कहा देखिए नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख का वायदा किया, लाखों लोगों के उन्होंने बैंक अकाउंट खुलवाए, बैंक अकाउंट में उन्होंने 1 रुपया तक नहीं डाला। हर भाषण में कहते थे 15 लाख दूंगा। कांग्रेस के इकोनॉमिस्ट से मैंने कहा देखिए मैं एक काम करना चाहता हूं। कहते हैं क्या काम? मैंने कहा मैं गरीबों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी गरीबों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहती है। मुझे कहते कितने लोगों के बैंक अकाउंट में डालना चाहते हैं? मैंने कहा नरेंद्र मोदी ने लाखों करोड़ रुपए 15 लोगों के बैंक अकाउंट में डाला। मैं 5 करोड़ परिवार, 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने बैंक अकाउंट खोला, 1 भी रुपया नहीं डाला। अब उनके ही खोले हुए बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी पैसा डालना चाहती है। जो लोग आए मेरे ऑफिस में कहते हैं राहुल जी ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी किया जा सकता है कि लाखों करोड़ रुपए उठाकर हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डाल दो, ये काम किसी सरकार ने नहीं किया। मैंने कहा कैसे बोल रहे हो? नरेंद्र मोदी जी ने 5,55,000 करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ किया। उनको पैसा जापान की सरकार ने तो नहीं दिया, अमेरिका की सरकार ने तो नहीं दिया, हिंदुस्तान की सरकार ने दिया। अगर वो 15 लोगों को दे सकते हैं, हम 25 करोड़ लोगों को क्यों नहीं दे सकते? सही बात है ना? तो मैंने उनसे कहा देखो आप जाओ अपना काम करो, जिससे पूछना है पूछो, अमेरिका के से पूछो, हिंदुस्तान के इकोनॉमी से पूछ रहा है उनसे पूछो, मगर वापस आओगे तो एक नंबर चाहिए मुझे वो नंबर चाहिए जो मैं
हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डाल सकूं। एक शर्त है, नोटबंदी गब्बर सिंह टैक्स जैसा नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर कम है तो कम बता देना, मुझे झूठ मत बोलना। अगर 100 रुपए डाले जा सकते हैं तो 100 रुपए बता देना, 1000 रुपए डाले जा सकते हैं तो 1000 रुपए बता देना, मगर नुकसान नहीं करना। हमने ना मध्यम वर्ग का नुकसान करना है, ना किसान का, ना दुकानदार का। गए वापस आते हैं, 4 महीने बाद वापस आए, कागज पे नंबर लिख दिया 72,000 रुपए। मैंने कहा ये क्या है 72,000 रुपए, कितने लोगों को, कितने समय में? कहते राहुल जी हम 4 महीने से काम कर रहे हैं, हमने सबसे पूछ लिया, दुनिया में सबसे बेहतर इकोनॉमी से पूछ लिया, 72,000 रुपए 5 करोड़ परिवारों को, 25 करोड़ लोगों को साल का, 5 साल के 3,60,000 रुपए। मैंने पूछा कब तक? 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने साल? कहते हैं राहुल जी जब तक 12,000 रुपए प्रति महीना महीने की आमदनी होगी, उससे 1 रुपया कम आमदनी होगी, तब तक न्याय योजना का पैसा चलेगा। जिस दिन उस व्यक्ति की आमदनी 12,000 रुपए से ज्यादा हो जाएगी महीने की, उस दिन न्याय योजना का पैसा उसे नहीं मिलेगा। और यह पैसा राहुल जी 5 करोड़ लोगों को दिया जा सकता है। मैंने कहा बताओ भैया नुकसान तो नहीं होगा? हम ये पूरा का पूरा पैसा भरतपुर के गरीब लोगों को देंगे, किसानों को देंगे, नुकसान तो नहीं होगा? कहते हैं राहुल जी नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। मैंने कहा ये कैसी बात बोल रहे हैं आप? पहले आप बोल रहे थे कि नहीं दे सकते, अब आप बोल रहे हैं कि फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? कहते हैं राहुल जी देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, जनता की जेब से ये जो माताएं बहनें आई हैं इनके घर से नरेंद्र मोदी ने पैसा निकाला, हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों से उन्होंने पैसा छीनकर नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, अनिल अंबानी को दिया। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की और हिंदुस्तान की जनता से पैसा छीना, वैसे ही हिंदुस्तान की जनता ने माल खरीदना बंद किया। पहले लोग शर्ट, पैंट, जूता, टेलीफोन खरीदते थे, नरेंद्र मोदी ने पैसा ले लिया, पैसा नहीं बचा, कैसे खरीदेंगे? पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने माल खरीदना बंद किया। जैसे ही लोगों ने माल खरीदना बंद किया, दुकानदारों ने माल बेचना बंद किया। जैसे ही दुकानदारों ने माल बेचना बंद किया, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद किया, और फैक्ट्री के मालिकों ने हिंदुस्तान के युवाओं को कहा देखो भैया फैक्ट्री बंद हो गई है, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी कर दी, गब्बर सिंह टैक्स लागू कर दिया, वहां दुकानें नहीं चल रही हैं, अब फैक्ट्री में रोजगार देने की कोई जरूरत नहीं, हम तो फैक्ट्री बंद कर रहे हैं, आप जाइए वापस घर जाइए भरतपुर। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था फंस गई, जाम हो गई, धस गई। जैसे ही न्याय योजना का पैसा आएगा, इन माताओं के बैंक अकाउंट में आएगा, वैसे ही 25 करोड़ लोग माल खरीदना शुरू करेंगे। कोई शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, कोई जूता, कोई साड़ी, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, जो भी आप खरीदेंगे। जैसे ही इन 25 करोड़ लोगों ने माल खरीदना शुरू किया, भरतपुर के दुकानदारों आपकी दुकानें चालू हो जाएंगी। जैसे ही आपकी दुकानें चालू होंगी, जैसे ही आपके दुकानों में माल बिकना शुरू होगा, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों के मालिक भरतपुर के युवाओं को बुलाएंगे, कहेंगे चलो वापस आओ, माल खरीदना शुरू हो गया है, दुकानें चालू हो गई हैं, फैक्ट्री चालू करनी है, और लाखों करोड़ों लोगों को, युवाओं को न्याय योजना रोजगार देगी। सीधी सी बात है,
न्याय योजना के दो लक्ष्य, एक हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करना, जैसे डीजल के इंजन में डीजल डाला जाता है फिर चाबी घुमाई जाती है, वैसे ही न्याय योजना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की इंजन के अंदर डीजल पेट्रोल है, न्याय योजना उस इंजन को चालू कर देगी। दूसरा लक्ष्य, गरीबों के बैंक अकाउंट में सीधा डायरेक्ट लाखों करोड़ रुपए। और यहां बहुत पुरुष आए हैं, मैं आपको सीधा बताना चाहता हूं, मैं पहले ही बात बता देता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं, यह पैसा जो जाएगा 5 करोड़ बैंक अकाउंट में जाएगा, यह हमारी जो माताएं बहनें सामने बैठी हैं इनके बैंक अकाउंट पे जाने वाला है। बाद में आप मुझे मत कहना यह क्या कर दिया, वो आपके बीच में उनके बीच में, मैं पैसा बैंक अकाउंट में डलवा दूंगा। 25 करोड़ लोगों को, 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी लाखों करोड़ रुपए डाल देगी, महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा। थोड़ी सी मैं किसानों की बात करना चाहता हूं। किसानों का राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हमने कर्जा माफ किया, मगर जब हमारा मैनिफेस्टो बन रहा था हमने हिंदुस्तान के हजारों लाखों किसानों से बात की, उनसे पूछा आप हमें बताइए 2019 में सरकार बनेगी तो हमें किसानों के लिए क्या करना चाहिए। आपने हमें दो चीजें कही, ऐतिहासिक चीजें। पहली बात आपने कही, देखिए राहुल जी, नीरव मोदी 33,000 करोड़ रुपए चोरी करके भाग गया, बैंक से कर्जा लिया था वापस नहीं दिया, वो जेल के बाहर। विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गया, बैंक का कर्जा लिया, चोरी कर लिया, वो जेल के बाहर। ललित मोदी, अनिल अंबानी, सब के सब हजारों करोड़ रुपए बैंक से लिए, वापस नहीं दिया, बैंक जेल से बाहर। मगर भरतपुर का किसान 20,000 रुपए लेता है, लाखों की बात नहीं करेंगे, करोड़ों की बात नहीं करेंगे, 20,000 रुपए लेता है, आंधी आती है, तूफान आता है, नुकसान हो जाता है, संकट में पड़ जाता है, वापस नहीं दे पाता है, उसे जेल में डाला जाता है। चोर बाहर, ईमानदार किसान जेल के अंदर। और किसान ने हमें कहा, हिंदुस्तान के लाखों किसानों ने हमें कहा, देखिए हमें न्याय चाहिए, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। वो बाहर क्यों है, किसान अंदर क्यों है? और इसलिए हमने मैनिफेस्टो में एक लाइन लिखी है, बड़ी सुंदर लाइन, भरतपुर के किसानों के लिए, हिंदुस्तान के किसानों के लिए, उनको मैसेज देने के लिए कि आप हिंदुस्तान की शान हो, आप हिंदुस्तान की शक्ति हो, आप हिंदुस्तान को भोजन देते हो, हम आपका अपमान नहीं करेंगे, हम आपकी रक्षा करेंगे। एक लाइन, हिंदुस्तान का कोई भी किसान 2019 के चुनाव के बाद कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा। और दूसरा काम किसानों के लिए, दो बजट, आमतौर से हिंदुस्तान में एक बजट बनता है, 2019 में दो बजट बनेंगे, एक नेशनल बजट और एक किसानों का अलग बजट। और उस बजट में किसानों को बता दिया जाएगा कि इस साल आपकी एमएसपी इतनी बढ़ाई जाएगी, इतना मुआवजा आपको मिलेगा, इतना कॉम्पनसेशन मिलेगा, इतना बोनस मिलेगा, इस डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार की फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगाई जाएगी, इस डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार की स्टोरेज फैसिलिटी दी जाएगी। साल के शुरुआत में ही आपकी सरकार, हिंदुस्तान की सरकार आपको बता देगी इतना पैसा किसानों के लिए हिंदुस्तान की सरकार देने जा रही है। युवाओं से मैं दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा धोखा आपके साथ किया है, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात। मैं आपको यहां से झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने पता लगाया है, बेरोजगारी का समय है, लाखों लोगों को नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार किया, मगर आज 22 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। मैं आपको स्टेज से गारंटी देता हूं कि एक साल के अंदर 22 लाख सरकारी नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे और 10 लाख
दस लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है, हम 10 लाख युवाओं को हिंदुस्तान की पंचायतों में रोजगार दे देंगे। और न्याय योजना से लाखों युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है। युवाओं के लिए हम एक और काम करना चाहते हैं। हिंदुस्तान का युवा, भरतपुर का युवा देश की मदद करना चाहता है, देश के लिए रोजगार पैदा करना चाहता है, बिजनेस चालू करना चाहता है, मगर अगर आज भरतपुर में या बाकी हिंदुस्तान में कोई युवा बिजनेस खोलना चाहता है तो उसे सरकारी डिपार्टमेंट्स में परमिशन लेनी पड़ती है। एक के बाद एक डिपार्टमेंट में जाओ, परमिशन मांगो। पहले डिपार्टमेंट में जाओ, परमिशन मांगो, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में फॉर्म भरो, दिन भर लगाओ, 5-6 महीने चले जाएंगे। हमने निर्णय लिया है हिंदुस्तान का कोई भी युवा अगर हिंदुस्तान के लिए रोजगार पैदा करना चाहता है, अगर हिंदुस्तान की मदद करना चाहता है, तो उसे किसी सरकारी डिपार्टमेंट से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बिना परमिशन के आप अपना बिजनेस खोलिए, धंधा चालू कीजिए, और 3 साल बाद जब आपने हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाया, 30-40 लोग आपके बिजनेस में आपके साथ काम करेंगे, 3 साल बाद आप जाना सरकारी डिपार्टमेंट में जाना, कहना भैया मैं बिजनेस चलाता हूं, 3 साल पहले खोला था, देश को मैंने रोजगार दिया, अब आप मुझे परमिशन दीजिए। ये काम हम आपके लिए करना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि यहां आपकी पानी की समस्या है। राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या पानी की है, और मैं आपको स्टेज से आश्वासन देता हूं, और गहलोत जी बैठे हैं, जो भी हम आपकी पानी की समस्या को हल करने के लिए कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करके आपकी मदद करेंगे। चुनाव दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नफरत, बंटवारा, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, भाईचारा, सबको जोड़ने का काम, सच्चाई। मैं आपको स्टेज से 15 लाख की बात नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। 15 लाख किया नहीं जा सकता है, नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला, मगर 3,60,000 रुपए 5 करोड़ परिवारों को दिए जा सकते हैं, मैं सच्चाई बोलूंगा। मैं 2 करोड़ की बात नहीं बोलूंगा, मगर न्याय योजना से लाखों युवाओं को फायदा मिलेगा, रोजगार मिलेगा। 22 लाख सरकारी नौकरियों की मैं बात करूंगा, मैं आपको यहां से स्टेज से गारंटी करके कह रहा हूं, 1 साल में 22 लाख नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे। किसानों को कर्जा माफ करने का वायदा किया था, तीनों स्टेट में 10 दिन के अंदर हमने काम कर दिया। तो जो आप हमारे स्टेज से सुनोगे वो सच्चाई सुनोगे। और हमारे जो महापुरुष हैं, महाराज सूरजमल जैसे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश को बनाने में लगाए, हम उनका अपमान, अमित शाह जैसे उनका अपमान कभी नहीं करेंगे। हम हिंदुस्तान के इतिहास की रक्षा करते हैं, उसका आदर करते हैं। तो आपने ये कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए, हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको आप जिताइए, भारी बहुमत से जिताइए, लोकसभा में भेजिए, और हमें 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए, हम आपके लिए काम शुरू करें। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बात कर रहे हैं आपको, सबसे पहले हमने सुनवाया था सचिन पायलट को, जिन्होंने जनता को संबोधित किया। उसके बाद में बात की जाए तो प्रदेश के जननायक यानी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता को संबोधित किया, और उसके बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनता को संबोधित किया। तीनों ने अपने मंच से पीएम मोदी को निशाने पर लिया, साथ में निशाने पर लेकर के उन पर तंज भी कसा। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जनसभा हुई थी, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसा था और कहा था कि मच्छर को कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में झुलाना और पीएम मोदी से सत्य बलवाना असंभव है। लगातार तीनों ने अपने मंच से पीएम मोदी पर निशाना साधा है और कहा है कि
पीएम मोदी का असत्य बोलना उनके पद की शोभा को कम करता है। लगातार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मन से कहा कि पीएम मोदी भ्रष्टाचार, किसान, नोटबंदी, युवाओं के रोजगार की मंच से बात नहीं करते हैं, वो केवल और केवल वहां से विपक्ष को निशाने पर लेते हैं और तमाम तरह की जुमलेबाजी वहां से करते हैं। और ये भी कहा कि पिछले 5 साल से लगातार पीएम मोदी केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं और केवल जुमलेबाजी के जरिए ही उन्होंने 5 साल निकाले हैं और देश के लिए कोई भी काम उन्होंने नहीं किया है। साथ में कांग्रेस अध्यक्ष ने न्याय योजना को लेकर कहा कि हमारी न्याय योजना के जरिए गरीबों को न्याय मिलेगा और उनके खाते में हर महीने 6,000 रुपए और साल के 72,000 रुपए उनको दिए जाएंगे, लोगों को वो रुपए दिए जाएंगे जिससे वो गरीबी रेखा से ऊपर आ सके और उनको रुपए मिल सके। उसके अलावा बात की जाए तो उन्होंने कहा कि लगभग 5,55,000 करोड़ रुपए 15 लोगों को पीएम मोदी ने दिए हैं और हम उन रुपयों को निकाल करके गरीब लोगों को देंगे।